पक्की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस के बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। इस बीच हम बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस ने बड़ी बैठक की है और लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस ने फैसला किया है। सभी सीटों पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे शामिल हुए। कांग्रेस पर सौरभ भारद्वाज ने ये कहा है कि सभी 7 सीटों के लिए हम भी तैयार हैं। तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की बैठक पर ये पलटवार किया है और बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्तों पर तंज कसा है। मतलब कि यारी में दरार आती है, ये बीजेपी ने कहा है। दिल्ली कांग्रेस की बड़ी बैठक होती है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा हुई है और ये भी इस बैठक में तय किया गया है कि सभी सीटों पर तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि हम भी 7 सीटों पर तैयारी करेंगे, लेकिन इस बैठक में राहुल गांधी तो मौजूद रहे, खड़गे भी मौजूद रहे, लेकिन जो सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया है उस पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया की है और तंज कसा है कांग्रेस आम आदमी पार्टी के रिश्तों पर। इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें MLA इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की ही नहीं बची, दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस की अहम बैठक होती है जिसमें राहुल गांधी मौजूद रहते हैं। दिल्ली कांग्रेस की यह बड़ी बैठक होती है, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद रहते हैं, जिसमें ये बात सामने आई है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि सभी सीटों के लिए कांग्रेस तैयारी करे। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। तो 2024 के लिए सभी को आज ही से निकलना है। अलका लांबा को आप सुन रहे थे, 7 सीटें हैं दिल्ली में लोकसभा की, ऐसे में तैयारी के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आती है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि हम भी 7 सीटों के लिए तैयार हैं, और उधर बीजेपी तंज कसती है। दरअसल विपक्ष के गठबंधन पर बीजेपी सवाल उठाती है और कहती है कि मतलब की यारी में ऐसे ही दरार आती है, यानी कि अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 का अहम चुनाव, सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली कांग्रेस की बड़ी बैठक होती है जिसमें राहुल गांधी खड़गे शामिल होते हैं। बैठक तो कांग्रेस की होती है, लेकिन प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आती है, बीजेपी की तरफ से सामने आती है। बीजेपी ने विपक्ष के गठबंधन पर सवाल उठाए, कहा कि मतलब की यारी में ऐसे ही दरार आती है। हुआ है कि हमें 7 सीटों। पीयूष शर्मा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल, आज कांग्रेस ने, दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें जो बयान निकल कर आ रहे हैं, एक तो ये अलका लांबा का बयान आया कि सभी 7 सीटों पर हम चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, और जो सोर्सेज से खबर भी आ रही है कि राहुल गांधी ने कहा है कि सभी 7 सीटों पर मजबूती से तैयारी करें। घटक दल का हिस्सा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी, अब ऐसे में इसको आप बीजेपी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक पुरानी फिल्म का गाना है, ये देंगे तो क्या देंगे, ये यार हैं मतलब कि जब यारी होती है, गठबंधन होता है, तो उसमें इसी तरीके से दरार आती हैं। जब दिल्ली के संसद में दिल्ली का बिल पेश होने के बाद केजरीवाल जी की जरूरत खत्म हो गई, और उधर कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं लगता है कि आज केजरीवाल के ऊपर जितने भ्रष्टाचार से लेके अनेक आरोप लगे हैं, उनके साथ जाने में हमको नुकसान होगा, तो ये सारा जो कुछ इनका चल रहा है, और अभी तो ये दरार पड़ी है, आने वाले समय में ये एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी होते हुए दिल्ली में दिखाई देंगे।